हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत वर्तमान समय में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष क्यों एक मुद्दा बना हुआ है, क्यों एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके ऐतिहासिक कारण क्या हैं और वर्तमान समय में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिन्होंने इसराइल और फिलिस्तीन के बीच के संघर्ष को बढ़ावा देने का कार्य किया है, इसके अलावा इस संघर्ष का क्या परिणाम हो सकता है तथा इसके संघर्ष को लेकर अरब कंट्रीज का क्या रिएक्शन है, भारत का इस संघर्ष को लेकर क्या रुख है तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किस प्रकार से इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष को दूर करने के लिए वैश्विक प्रयास किए गए हैं, इन समस्त मुद्दों पर आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें यह समझना है, देखिए इसराइल फिलिस्तीन विवाद जो है निस्संदेह एक ऐतिहासिक मामला है। यह बहुत वर्षों से इन दोनों के बीच विवाद चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को चर्चा में ला दिया है। सबसे पहले इसे देखते हैं कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष वर्तमान समय में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। फिलिस्तीनी चरमपंथियों और इजरायली सेना के बीच 10 मई को भड़की हिंसा ने युद्ध का रूप ले लिया है। अब प्रश्न है कि आखिर 10 मई को ही इजराइल और फिलिस्तीनी जो चरमपंथी हैं और इजरायली सेना है दोनों के बीच 10 मई को ही क्यों हिंसा भड़की। इसका कारण है, आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा, 1967 में जब सिक्स डे वार हुआ था तो 10 मई को इजराइल ने विजय हासिल की थी और उसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 मई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी घटना ने फलस्तीनी नागरिकों को उत्तेजित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों के मध्य संघर्ष छिड़ गया, जो कुछ दिनों के बाद इसने युद्ध का रूप ले लिया। फिलिस्तीनी चरमपंथी हमास के द्वारा इजराइल पर हजारों संख्या में रॉकेट वहां से दागे गए थे। अनुमान के अनुसार लगभग 3500 के आसपास हमास के द्वारा इजराइल पर रॉकेट दागे गए थे। मुख्यतः इजराइल की जो आर्थिक राजधानी जिसे तेल अवीव कहा जाता है वहां उसे टारगेट किया गया था। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इजराइल द्वारा अपने आयरन ड्रम मिसाइल प्रतिरोधक क्षमता से अनेक रॉकेटों को नष्ट कर दिया गया और गाजा पट्टी में जबरदस्त हमला किया गया और ऐसा माना गया कि इस युद्ध में लगभग 300 नागरिक मारे गए, जिनमें से सिर्फ कुछ संख्या में इजरायली नागरिकों की डेथ हुई है, मुश्किल से 12 या 15, बाकी अधिकांश संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और वहाँ पर फिलिस्तीनी नागरिकों को शरणार्थी के रूप में पुनर्वास किया गया है। जो गाजा पट्टी का जो क्षेत्र है जहाँ पर इजरायल के द्वारा लगातार वहाँ पर बॉम्बार्डिंग की गई, एयर स्ट्राइक भी किए गए थे जो कि गाजा के जो कमांडर थे उन्हें मारने के लिए, इसके कारण से वहाँ रहने वाले जो फिलिस्तीनी नागरिक थे उन्हें वहाँ से दूसरे जगह जाकर शरण लेनी पड़ी। तो निस्संदेह इस जो युद्ध हुआ इजरायल और फिलिस्तीन के बीच, इसमें फिलिस्तीन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और फिलिस्तीन के हजारों नागरिकों को शरणार्थी के रूप में दूसरे जगह पर उन्हें बसाया गया था। हालांकि 20 मई की रात्रि में मिस्र की मध्यस्थता के कारण सीज फायर की घोषणा कर दी गई और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच से जो बीच में जो युद्ध का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था वह अभी वर्तमान समय में रुका हुआ है। तो वर्तमान समय में यह चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि फिलिस्तीनी चरमपंथी और इजरायली सेना के बीच एक संघर्ष हुआ, मामूली संघर्ष हुआ, वह संघर्ष धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते युद्ध का रूप ले लिया। फिलिस्तीनी जो चरमपंथी संगठन है हमास के द्वारा इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले किए गए थे और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट के इसराइल के द्वारा अपने जो वहाँ की मिसाइल प्रतिरोधक क्षमता है उसका 90% रॉकेट को जो कि हमास के द्वारा छोड़ा गया था इसराइल पर उसे नष्ट कर दिया गया इसराइल के द्वारा और गाजा पट्टी पर जबरदस्त हमला किया गया था। इसका वैश्विक स्तर पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली और अमेरिका, भारत सहित सभी राष्ट्रों ने, लगभग सभी राष्ट्रों ने, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने इस हिंसा को रोकने की दिशा में अपना कदम उठाया और परिणाम यह हुआ कि मिस्र की मध्यस्थता के कारण 20 मई की रात्रि में फायर की घोषणा कर दी गई। तो यह है कि वर्तमान समय में इजराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है, इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद है वह चर्चा में क्यों रहा। अब प्रश्न आखिर उठता है कि आखिर ये जो इजराइल फिलिस्तीन जो है उनके बीच समय समय पर क्यों विवाद और संघर्ष की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो इसके कई सारे ऐतिहासिक कारण हैं। जब तक आप इतिहास में जाकर इसके कारणों को नहीं समझेंगे तब तक वर्तमान संदर्भ में इसे डिटेल एनालिसिस नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में इजराइल फिलिस्तीन
विवाद का क्या कारण है। तो सबसे पहले मैं यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करूँगा और यह बताऊँगा कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कहाँ पर फिट आता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत आपको तीन चरणों में यहाँ मैं डिस्कस करूँगा। पहला चरण है कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व की क्या स्थिति थी। जैसे अगर भारत और पाकिस्तान के संबंध को समझना होता है तो स्वतंत्रता की जो प्राप्ति होती है उससे पूर्व हमें जानना पड़ता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना पड़ता है। उसी प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को अगर हमें समझना है तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखना होगा कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व की क्या स्थिति थी इन दोनों मामले को लेकर। तो मैं यहाँ डिस्कशन के दौरान मैं आपको जानकारी दे दूँ कि जो वर्तमान समय का जो इजरायली क्षेत्र है मैप में, मैं इसके अगले पृष्ठ में मैं मैप के जरिए बताऊंगा कि किस प्रकार से इजरायल का भूभाग युद्ध के दौरान परिवर्तित होते गया है। तो वर्तमान समय में जो इजरायल का जो भूभाग है वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की का इस पर शासन था। तुर्की, जहाँ कि आप जानते हैं कि तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य उस समय काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और यही जो वर्तमान समय जो इजराइल का जो भू क्षेत्र है, भूभाग है, वहाँ पर तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का वहाँ पर आधिपत्य था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व की स्थिति है। अब क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो गुट युद्ध लड़ रहे होते हैं, एक होते हैं मित्र राष्ट्र और दूसरा होता है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की तरफ से होता है ब्रिटेन फ्रांस जैसे कंट्री होते हैं और धुरी राष्ट्रों की तरफ से तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे कंट्री युद्ध लड़ रहे होते हैं। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों की पराजय होती है, यानी कि जिस पक्ष में तुर्की होता है, जो कि वर्तमान इजराइल का जिस पर आधिपत्य था ऑटोमन साम्राज्य का, तुर्की का, तो उसकी हार होती है। अब यह युद्ध का नियम है प्राचीन समय से ही कि जिस कंट्री को हार मिलेगी, ये चूंकि अब पहले चला आ रहा था, अभी या वर्तमान समय में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले क्या होता था कि युद्ध के दौरान जो भी पराजित राष्ट्र था उस पर विजित राष्ट्र का शासन हो जाता था। तो तुर्की की यहाँ पर पराजय हुई, इसी कारण मित्र राष्ट्र जो विजेता बने उसमें ब्रिटेन का आधिपत्य, तुर्की का जितना सारा साम्राज्य था उस पर ब्रिटेन का आधिपत्य हो गया। यानी कि जो वर्तमान समय का जो इजराइल का जो भू क्षेत्र है वह पहले तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, वह प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हारने के पश्चात उस पर ब्रिटेन का आधिपत्य हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुर्की का शासन था, अब ब्रिटेन का शासन हो गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। यही समय था जब इजराइल में जो उस समय के जो इजराइल भूभाग था वर्तमान समय का, वहाँ पर यहूदी लोगों के द्वारा यहूदीवाद का कॉन्सेप्ट दिया गया, उनमें धार्मिक उन्माद फैली, उनके द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया कि यहूदियों को एकत्रित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और एक यहूदी राष्ट्र का गठन किया जाना चाहिए। ब्रिटेन के द्वारा बखूबी इसको भी समर्थन दिया गया कि यहूदियों को ब्रिटेन के द्वारा समर्थन दिया गया कि आप एक जगह पर एकत्रित होइए और यहूदीवाद का जो कॉन्सेप्ट होता है एक धार्मिक राष्ट्रवाद, उसको प्रचार प्रसार करने का काम ब्रिटेन के द्वारा भी किया गया। अब क्या होता है कि यह स्थिति प्रथम विश्व युद्ध से सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध तक यह स्थिति चलते रहती है। लेकिन अब जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप जानते हैं कि ब्रिटेन की जो स्थिति होती है वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। भारत की जो स्वतंत्रता मिली थी 1947 ईस्वी में, इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। कई सारे देश थे वैश्विक स्तर पर, उनके द्वारा ब्रिटेन पर यह दबाव दिया गया था कि आप भारत जैसे राष्ट्र को स्वतंत्र। परिणाम स्वरूप इस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते ब्रिटेन काफी ज्यादा एक रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से कमजोर कंट्री के रूप में इमर्ज किया और जो यहूदीवाद की जो भावना जिसे ब्रिटेन के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था वह उसे अब ब्रिटेन के द्वारा समर्थन नहीं मिल पाया। अब ब्रिटेन इस मामले से खुद को दूरी बनाने लगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यह जो मामला था वह यूनाइटेड नेशन के पास चला गया। अब यूनाइटेड नेशन चूंकि उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ चूंकि तुरंत ही 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक नवोदित संस्था थी उस समय। अब यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जैसे ही जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कुछ ही वर्षों में इसको लेकर एक घोषणा की जाती है और वह घोषणा थी 29 नवंबर 1947 को। इस घोषणा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को दो भागों में बांट देता है। पहला जो पार्ट होता है वह अरब राज्य के रूप में जाना गया और दूसरा जो पार्ट था जहां पर यहूदी नागरिकों की बहुलता थी उसे इजराइल के रूप में मान्यता दे दिया गया। इसके साथ ही एक और बात है कि जो
यरूशलेम का जो हिस्सा था इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने पास अंतर्राष्ट्रीय सरकार के अधीन रखा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसे ही मामला जाता है, फिलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग को अरब राज्य के रूप में मान्यता देने की बात होती है, दूसरे राज्य को इजराइल के रूप में मान्यता देने की बात होती है। और जो यरूशलेम का जो क्षेत्र था, जो कि यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए और इस्लाम के लिए, तीनों के लिए महत्वपूर्ण था, उसे यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सरकार के अधीन रखा। लेकिन इस विभाजन को वैश्विक स्तर पर कभी भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई। अरब राज्यों ने इस विभाजन को खारिज कर दिया और इजराइल की मान्यता को उन्होंने कभी दी ही नहीं। इजराइल को एक कंट्री के रूप में अरब देशों ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। परिणाम क्या हुआ कि इजराइल के जो देश थे उसमें स्वाभिमान जगाने के लिए 1948 ईस्वी में इजराइल स्वयं को एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित किया और स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अब इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली। 1948 ईस्वी में इजराइल स्वतंत्र होता है और इसके विरोध में, चूंकि अरब कंट्रीज ने इजराइल के जो गठन थी उसको कभी भी मान्यता नहीं दी, परिणाम यह हुआ कि अरब कंट्री, इजराइल जैसे ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है, अरब कंट्री के द्वारा इस पर आक्रमण कर दिया जाता है 1948 में। और इस अरब कंट्री में जो चार कंट्री शामिल है, मैं अगले पृष्ठ में मैप के जरिए से बताऊंगा कि इजराइल की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इस जो अरब कंट्री थे, इन अरब कंट्री में मुख्यतः इजिप्ट थे, जॉर्डन, मिस्र और सीरिया, सॉरी मिस्र नहीं, ईरान और सीरिया। इजिप्ट, जॉर्डन, ईरान और सीरिया, ये चार कंट्री थे। इस पर 1948 ईस्वी में इनके द्वारा इजराइल पर आक्रमण कर दिया गया। अब क्या हुआ, इजराइल चूंकि यहूदी वहाँ के नागरिकों की बहुलता है और यहूदी नागरिकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपने उनमें स्वाभिमान की भावना अधिक होती है राष्ट्र के प्रति। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अकेले एक छोटा सा भूभाग पर स्थित इजराइल ने इन चारों अरब देशों के, जो कि एक सामूहिक रूप से लड़ रहे थे, उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो इजराइल की सीमा निर्धारित की गई थी उससे भी अधिक क्षेत्रों पर इस समय इजराइल ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। यानी कि इन चारों देशों के कुछ क्षेत्रों को भी इजराइल एडॉप्ट कर लिया इस युद्ध को जीतकर। परिणाम क्या हुआ कि जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन के अनुसार जो फिलिस्तीन का जो भूभाग था, जिसे दो भागों में बांटा गया था, उसका 48% भाग पर फिलिस्तीन का आधिपत्य दिया गया था और 42% भाग पर इजराइल का आधिपत्य दिया गया था और 10% जो यरूशलेम का पार्ट था। लेकिन क्या होता है कि इजराइल के द्वारा जो 42% भूभाग था, इसे और ज़्यादा बढ़ा दिया गया 1948 के वार के जरिए। इसके बाद क्या होता है कि युद्ध तो इस समय समाप्त हो गई, लेकिन अरब कंट्री और इजराइल के बीच जो शत्रुता थी वह समाप्त नहीं हुई। इस युद्ध में अरब को मिली पराजय ने अरब कंट्रीज को उत्तेजित करने का काम किया, लामबंद करने का काम किया और धीरे धीरे यह संघर्ष फिर से बढ़ता गया और 1967 तक आते आते यह संघर्ष फिर से युद्ध का रूप ले लेता है, जिसे सिक्स डे वार के रूप में जाना जाता है। सिक्स डे वार बेसिकली 5 से 10 मई 1967 को अरब रिज और इजराइल के बीच हुई थी। अब प्रश्न है कि इसमें फिर से इजराइल, चूंकि इस समय तक 1948 में इसे आज़ादी मिली थी, स्वतंत्र खुद को घोषित किया और 1967 तक आते आते इजराइल, चूंकि अमेरिका का एक सहयोगी रहा है इजराइल और इसे अमेरिका के द्वारा टेक्नोलॉजी से प्रदान किए गए, सामरिक रूप से इसे सुदृढ़ बनाया गया, इसे हथियार प्रदान किए गए, इसीलिए 1967 तक आते आते इजराइल एक काफ़ी ज़्यादा मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। और परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध में भी कई सारे जो अरब कंट्रीज लड़ रहे थे इजराइल के खिलाफ लामबंद होकर, उसे भी इस युद्ध में धूल चटाने का काम अकेले इजराइल ने किया और इजराइल ने अरब कंट्रीज के कई सारे भूभाग को अपने आधिपत्य में ले लिया और जो फिलिस्तीन की सीमा 48% थी उसे घटाकर वर्तमान समय तक आते आते 12% तक कर दिया। अब समझ सकते हैं कि इजराइल ने किस तरीके से अपनी सीमा का विस्तार युद्ध के माध्यम से किया है। इस युद्ध में जो इजराइल की सबसे बड़ी जीत थी उसे कई सारे संदर्भों में समझा जा सकता है। सीरिया के इसने गोलेन हाइट्स को अपने आधिपत्य में लिया, यानी कि इस पर इसने आधिपत्य स्थापित कर लिया, सीरिया का गोलेन हाइट्स। इसके अलावा वेस्ट बैंक, जो कि
जॉर्डन में स्थित है, वेस्ट बैंक पर आधिपत्य इसने स्थापित कर लिया, मिस्र का जो गाजा पट्टी है इस पर आधिपत्य कर लिया, और पूर्वी यरूशलेम क्षेत्र को भी अपने आधिपत्य में ले लिया। यानी कि अगर कुल मिलाकर चर्चा की जाए तो फिलिस्तीन का जो यूनाइटेड नेशन के अनुसार फिलिस्तीन का भूभाग 48% था 1947 में, वह वर्तमान समय तक आते आते सिर्फ 12% भूभाग पर फिलिस्तीन का हिस्सा रह गया है, और बाकी सारे क्षेत्र को इजराइल ने समय समय पर हुए युद्ध के माध्यम से इसे अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन इस युद्ध में भी अरब कंट्रीज की निस्संदेह पराजय हुई, लेकिन अरब कंट्रीज ने अभी भी हार नहीं मानी, और इसने फिर आगे चलकर क्या हो गया कि छद्म युद्ध का रूप लिया, और इसी कारण चरमपंथी संगठन के रूप में 1987 में हमास, जो कि एक हिंसक संगठन है, हमास का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य, हमास के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था, वह जिहाद के माध्यम से फिलिस्तीन में जो भी फिलिस्तीन का जो एरिया है उस पर मुस्लिम आधिपत्य का, इस्लाम का विस्तार करना था। लेकिन इस समय तक आगे आके धीरे धीरे आप देखेंगे कि इजराइल के द्वारा भी एक कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने के लिए दोनों के बीच फोकस किया गया, इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच, और इसी कारण 1990 ईस्वी में इजराइल और कह सकते हैं कि 1990 ईस्वी में एक ओस्लो शांति प्रक्रिया किया गया। यह जो ओस्लो शांति प्रक्रिया था, वह यह शांति प्रक्रिया शांति बहाली के लिए बेसिकली यह किया गया था 1990 ईस्वी में। इसके जरिए एक फिलिस्तीनी अथॉरिटी का गठन किया गया था, फिलिस्तीनी अथॉरिटी का गठन किया गया, और फिलिस्तीनी अथॉरिटी का गठन करके जो भी 1967 का जो सिक्स डे वार चल रहा था उसमें गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर जो इजराइल का आधिपत्य हुआ था उसमें फिलिस्तीन को अब सीमित रूप से स्वायत्तता प्रदान करने का कार्य किया गया। किसके द्वारा? ओस्लो शांति प्रक्रिया 1990, ठीक है। तो यह है ओस्लो शांति प्रक्रिया 1990 तक, यानी कि आपने देखा प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व से लेकर ओस्लो शांति 1990 तक आपने स्थिति को देख लिया। अब आते हैं गाजा को लेकर कि गाजा की क्या स्थिति है। तो गाजा हमने संक्षेप में लिख दिया है कि गाजा जो है इजराइल और मिस्र के बीच स्थित 40 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी एक छोटी सी पट्टी है जिसकी कुल आबादी लगभग 20 लाख है। अगर यहाँ आबादी को देखें तो 20 लाख में से मोर देन 50% जो आबादी है वह शरणार्थियों की आबादी है। इन शरणार्थी में कौन कौन है? जो इजराइल क्षेत्र जो है अभी जहाँ पर यहूदियों की बहुलता है वहाँ से जो मुस्लिमों को भगाया गया वे हैं शरणार्थी, या फिर उस समय जो सीमा विभाजन रेखा किया गया था उसके बाद जो लोग इधर उधर गए थे वे शरणार्थी के रूप में हैं, और 20 लाख की आबादी में से 14 लाख की जो आबादी है गाजा पट्टी का क्षेत्र में वह शरणार्थियों की वहाँ पर आबादी है। यानी कि मोर देन 60% आप कह सकते हैं 60-70% आबादी यह शरणार्थियों की है। तो यह है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने देखा स्वतंत्रता से लेकर यहाँ तक। अब देखते हैं कि आखिर हालिया विवाद का कारण क्या है। वर्तमान समय में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद क्यों बढ़ा? तो सबसे पहले यह बता दूं यहाँ पर कि जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो विरोध देखने को मिला वह अल अक्सा मस्जिद में, क्योंकि अभी जो रमज़ान का वर्ष चल रहा था, रमज़ान का माह चल रहा है, ऐसी स्थिति में अल अक्सा मस्जिद जो यरूशलेम में स्थित है और मुस्लिमों के लिए तीसरा पवित्र स्थल माना जाता है, तो यहाँ पर मुस्लिम लोग फिलिस्तीनी नागरिक जो थे वे नमाज पढ़ने के लिए एकत्र होना चाहते थे, लेकिन इजरायली सेना के द्वारा व्यवस्था ना फैले इसके आधार पर रोक लगा दी गई। परिणाम स्वरूप यहां संघर्ष छिड़ा और यही संघर्ष ने आगे जाकर युद्ध का रूप ले लिया। अब देखिए ये जो अल अक्सा मस्जिद है इसे भी लेकर कई सारे विवाद विद्यमान है, इसे भी समझना आपको जरूरी है क्योंकि हालिया विवाद का बहुत बड़ा कारण अल अक्सा मस्जिद ही है। अल अक्सा मस्जिद जो है वह ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। ईसाइयों का कहना है कि अल अक्सा मस्जिद क्षेत्र में ही जो इनके जीसस थे उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर जीसस का पुनर्जन्म भी हुआ था, तो ईसाइयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहूदियों की मान्यता के अनुसार यहाँ का जो वेस्टर्न वॉल जो क्षेत्र है वेस्टर्न वॉल इनके यहूदियों के पवित्र मंदिर का अवशेष है, पवित्र मंदिर का अवशेष है। लेकिन हमने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जो यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य का आधिपत्य था, तुर्की द्वारा जो शासित थी, तो ओटोमन साम्राज्य के दौरान यहूदियों के पवित्र मंदिर वेस्टर्न वॉल को
विध्वंस कर दिया गया था। तो यहूदी मानते हैं कि यहाँ उनके लिए एक पवित्र स्थल है। इस्लाम के लिए हमने डिस्कस किया अभी कि मक्का और मदीना के बाद अगर इस्लाम के लिए तीसरा सबसे बड़ी मस्जिद है तो वह है अल अक्सा मस्जिद। यहाँ माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब एक रात्रि के लिए यहाँ पर विश्राम किए थे। तो इसीलिए अल अक्सा मस्जिद ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों के लिए एक पवित्र स्थल है और तीनों इस पर अपना दावा करते हैं। और उस दिन भी यही हुआ था कि रमज़ान का दिन चल रहा था, फिलिस्तीनी नागरिकों के द्वारा वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए एकत्रीकरण वहाँ पर एकत्र होना चाहते थे लेकिन इजरायली सेना के द्वारा रोक दिया गया। परिणाम स्वरूप इनके द्वारा मस्जिद के अंदर से ही इजरायली सेना के ऊपर पथराव किए गए और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इजरायली सेना के द्वारा इन पर गोलीबारी की गई और गाजा पट्टी के द्वारा इसके प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किए गए थे, रॉकेट को छोड़ा गया। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य थोड़े से संघर्ष ने, हल्के संघर्ष ने युद्ध का रूप ले लिया। इसके अलावा जो हालिया विवाद का एक और कारण है वह है पूर्वी यरूशलेम की जो जनांकिकी बदलाव करने की कोशिश इजराइल के द्वारा एक तरफा रूप से की जा रही है वह है। पूर्वी यरूशलेम एक ऐसा जगह है जिसे फिलिस्तीन जो है वह अपनी भावी राजधानी के रूप में देखता है। एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की भावी राजधानी के रूप में पूर्वी यरूशलेम पर फिलिस्तीन दावा करता है लेकिन इजराइल का कहना है कि पूर्वी यरूशलेम पर उसका आधिपत्य है और चूंकि वहाँ पर फिलिस्तीनी नागरिक इस्लामिक लोग भी मुस्लिम लोग भी रह रहे हैं इसीलिए इजराइल के द्वारा इस्लाम को वहाँ से हटाकर विश्व के जो कोने कोने में रह रहे यहूदी लोग हैं वहाँ पूर्वी यरूशलेम में बसाया जा रहा है ताकि वहां की जनसंख्या को चेंज किया जा सके, जो वहां के मुस्लिम लोग हैं फिलिस्तीनी नागरिक उसे वहां से जबरन हटाया जा सके और यहूदी लोगों को वहां पर लाया जा सके ताकि यहूदी राष्ट्रवाद उनमें विकास हो और फिर पूर्वी यरूशलेम पर उनका एकाधिकार बना रहे। यह है एक जनांकिकी बदलाव इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक और कारण हमने संक्षेप में ऊपर डिस्कस किया, विजय दिवस 10 मई को मनाया गया इसीलिए यह जो विवाद छिड़ा वह 10 मई को ही विवाद छिड़ा। सबसे बड़ा कारण यह था कि हम अभी हमने सिक्स डे वार जो 1967 में डिस्कस किया जो कि 5 से 10 मई के बीच सिक्स डे वार हुई थी, इसमें इसराइल को एक तरफा जीत मिली। हमने बताया कि किस प्रकार से गोलन हाइट्स पर आधिपत्य किया सीरिया ने वेस्ट बैंक पर, गाजा पट्टी पर, पूर्वी यरूशलेम पर आधिपत्य किया। तो इसके जीत के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में इजराइल के द्वारा प्रतिवर्ष 10 मई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार भी 10 मई को विजय दिवस के रूप में मनाया गया और इसी विजय दिवस के रूप, चूंकि विजय दिवस के रूप में जश्न मनाते हैं और यह क्या हुआ कि यह जश्न फिलिस्तीनी नागरिकों को नागवार गुजरा जो कि इजराइल में रह रहे थे तो इसी कारण इसने संघर्ष को बढ़ावा दिया। इसका एक और जो अप्रत्यक्ष पहलू जिसे कहा जाए वह है इजराइल की राजनीतिक स्थिति। इजराइल में क्या है कि मार्च 2021 में यहाँ पर संसदीय चुनाव हुए हैं, ठीक है, मार्च 2021 में यहाँ पर संसदीय चुनाव हुए और इस संसदीय चुनाव में किसी भी एक पार्टी को वहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। इसी कारण वहाँ पर क्या है कि नेतन्याहू, चूँकि अभी जो वर्तमान समय में अंतरिम प्रधानमंत्री वहाँ पर बने हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी सरकार भी नहीं बन पाई गठबंधन के कारण। लेकिन ये अंतरिम प्रधानमंत्री बने हुए हैं और ये अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं इजराइल में। यह भी एक कारण हो सकता है कि इजराइल में जो अपनी जो खराब स्थिति चल रही है जिसे आप कह सकते हैं कि इजराइल के द्वारा कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद के आधार पर नेतन्याहू के द्वारा आगामी चुनाव जीतने पर बल दिया जा रहा है। तो चूंकि वहां पर गठबंधन की सरकार है, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है, वर्तमान समय में नेतन्याहू अंतरिम प्रधानमंत्री बने हुए हैं और आने वाले समय में वहां पर निसंदेह चुनाव होंगे क्योंकि कोई व्यक्ति अंतरिम प्रधानमंत्री अस्थायी प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो आने वाले समय में वहां पर चुनाव होंगे और उस चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नेतन्याहू के द्वारा ऐसा कड़ा एक्शन लिया गया, यह भी एक बहुत बड़ा कारण ऐसा माना जा रहा है। तो हालिया विवाद के ये सारे सबसे प्रमुख कारण हैं। अब यहाँ पर आप मैप के जरिए समझिए कि इस किस प्रकार से इजराइल की भौगोलिक स्थिति को आप यहाँ पर समझिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जो है यहाँ पर फिलिस्तीन बिफोर द क्रिएशन ऑफ इजराइल या 1917 ईस्वी की फिगर है। यहाँ पर जब इजराइल का गठन नहीं हुआ था तब के यहाँ पर फिलिस्तीनी मैप को आप दर्शाया गया। देखिए यहाँ का तेल अबीब क्षेत्र जो कि हमने बताया कि इजराइल की आर्थिक राजधानी आप इसे कह सकते हैं, तेल अबीब का क्षेत्र है और गाजा पट्टी के द्वारा यहीं पर लगातार रॉकेट लॉन्च किए गए थे। यह जेरूसलम का क्षेत्र, देखिए इस जेरूसलम के क्षेत्र में हमने बताया कि यह जो जेरूसलम का क्षेत्र है ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए और इस्लाम के लिए किस प्रकार से समान रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सीरिया है जिसके द्वारा 1960 देखिए
किस प्रकार से यह अरब कंट्री से घिरा हुआ है, यह इजिप्ट है जिसे मिस्र कहा जाता है ना, यह सीरिया है, यह देखिए यह लेबनान है। तो इस प्रकार से यह अरब कंट्री से घिरा हुआ है, यह पूरा का पूरा जो था वह फिलिस्तीनी बॉर्डर था या फिलिस्तीन के अंतर्गत आता था। विभाजन तो 1948 में हुआ है ना, तो 1917 की मैप पे सारा फिलिस्तीन था। तो यह है तेल अबीब का क्षेत्र है, यह है लेबनान। अब यह भी मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से अरब कंट्रीज़ के द्वारा लेबनान के जरिए या फिर इजिप्ट के जरिए किस प्रकार से इसराइल को स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, वह अंतर्राष्ट्रीय अरब कंट्रीज़ का रुख के अंतर्गत देखेंगे। तो यह 1917 ईस्वी का मैप है इसराइल के गठन से पूर्व का। अब देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के अंतर्गत इसका क्या मैप हुआ। तो जो ब्लैक का जो एरिया दिख रहा है, ब्लैक वाला जो एरिया दिख रहा है उसे अरब राज्य के रूप में मान्यता दिया गया। सॉरी, ये तो जेरूसलम का पार्ट है, और जो ब्लैक जो सेक्शन दिख रहा है उस पर अरब कंट्रीज का आधिपत्य था। येलो जो दिख रहा है, सॉरी, येलो के अंतर्गत जो येलो पार्ट है उसे इजराइल को दिया गया, ब्लैक वाला पार्ट अरब कंट्रीज को दिया गया, येलो वाला पार्ट जो है वह इजराइल को दिया गया था। यह है यूएन पार्टीशन प्लान के अंतर्गत। अब देखिए 1948 में जब वार हुआ था उसके बाद की किस प्रकार से स्थिति रही, युद्ध के दौरान किस प्रकार से स्थिति रही 1948, जिस समय आज़ादी ब्रिटेन ने स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया और इसके परिणाम स्वरूप अरब कंट्रीज ने उस पर आक्रमण किया। तो यह देखिए यह लेबनान है यहाँ पर, यह इस प्रकार से यह सीरिया है, यहाँ पर जॉर्डन है, यहाँ पर मिस्र है। तो किस प्रकार से यह चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है और अकेले यहाँ पर इसराइल स्थित है। यह है गाजा पट्टी का जो क्षेत्र, अभी हमने बताया था 40 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर गाजा पट्टी का क्षेत्र यही है और यह फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है। तो यह जो पूरा बेल्ट है वह इजराइल का बेल्ट है और इसी के द्वारा, चूंकि अरब चारों तरफ है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो इनके द्वारा समय समय पर हमने बताया संघर्ष के कारण को हमने डिस्कस किया है। और युद्ध के बाद सीरिया का या गोलन हाइट्स पर 1967 का जब युद्ध होता है तो सीरिया का गोलन हाइट्स पर इजराइल आधिपत्य स्थापित कर लेता है, है ना। यह जॉर्डन का क्षेत्र आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्ट बैंक ऑक्यूपाइड बाय जॉर्डन। ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है यहाँ पर, इसको 1967 के वार में फिर से इजराइल अपने आधिपत्य में ले लेता है, ठीक है। यह गाजा पट्टी का जो क्षेत्र है, तो इस प्रकार से 1948 के समय का मैप है और 1967 के बाद जो इजराइल में किस प्रकार से चेंजेज आते हैं उसे हमने ऊपर में डिस्कस किया है। 1948 का मैप यहाँ फिर से दिखा दिया है, यह इसीलिए यहाँ पर फिर से दिखाया हूँ क्योंकि इजराइल के गठन के समय का जो मेन भूभाग था वो था, हमने अभी बताया कि जब इजराइल का गठन हो रहा था उस समय जो चूंकि पूरा सारा जो था वो फिलिस्तीन का पार्ट था, तो इस पार्ट का 48% जो भूभाग था वह फिलिस्तीन के अंतर्गत था और 42% जो भूभाग था उस पर इजराइल का आधिपत्य दिया गया यूनाइटेड नेशन की मान्यता के अनुसार, और 10% का क्षेत्र जेरूसलम के लिए रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय सरकार ने इसे अपने अधीन रखा। लेकिन धीरे धीरे युद्ध के माध्यम से अपनी सीमा का विस्तार करते हुए इसराइल के द्वारा बहुत अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया और वर्तमान समय में फिलिस्तीन के पास सिर्फ 12% क्षेत्र बचा है, ठीक है। तो यह है यहां आपका मैप। अब देखिए कि आखिर फिलिस्तीन और इजरायली क्या चाहते हैं, इनकी क्या डिमांड है इजराइल और फिलिस्तीनियों की। तो फिलिस्तीनी की सबसे जो प्रमुख डिमांड है वह है कि इजराइल 1967 से पूर्व किया था स्थिति की सीमा पर आ जाए, यानी कि 1967 ईस्वी में जब सिक्स डे वार हुआ था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल के द्वारा गोलन हाइट्स पर को कब्जा कर लिया गया था, वेस्ट बैंक गाजा पट्टी पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, तो फिलिस्तीन चाहता है, और इसका कहीं ना कहीं एक तिहाई भाग पर इजराइल का कब्जा हो गया, तो फिलिस्तीन चाहता है कि उस युद्ध से पूर्व की स्थिति पर इजराइल आए। फिलिस्तीन का यह भी कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जिसे 1967 के युद्ध में इसराइल ने कह सकते हैं कि आधिपत्य स्थापित कर लिया था, उसे स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के रूप में वहां पर स्थापित की जाए और उसे फिलिस्तीन के हवाले कर दिया जाए। साथ ही साथ फिलिस्तीन की अभी मांग है कि पूर्वी यरूशलेम जो है, जिस पर अभी इसराइल का आधिपत्य है, और पूर्वी यरूशलेम हमने बताया कि वहाँ जो अल अक्सा मंदिर है वहाँ किस प्रकार से तीनों धर्म के लिए पवित्र स्थल है, तो पूर्वी यरूशलेम पर एक पूर्वी यरूशलेम फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी बने। इसके अलावा उनकी एक डिमांड है कि जो बेघर हो चुके शरणार्थी उनका पुनर्वास किया जाए और जनांकिकी जो बदलाव किया जा रहा है पूर्वी यरूशलेम में वे नहीं किया जाए, यह फिलिस्तीनी की मांग है। लेकिन फिलिस्तीन की इस मांग को इजराइल स्वीकार नहीं करता है। इजराइल का कहना है कि हमें संपूर्ण विश्व को में एक यहूदी राष्ट्र के रूप में हमें मान्यता दे, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, वैश्विक समुदाय है, विभिन्न कंट्रीज जो हैं वे इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता दें। दूसरा इनकी मांग है कि यरूशलेम
यरूशलेम पर उसकी संप्रभुता बरकरार रहे, और वही यरूशलेम है जिसे 1967 के वार में इसराइल ने जिस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो यह इसराइल और फिलिस्तीन की प्रमुख डिमांड है। इन डिमांड के जरिए दोनों एक दूसरे अपने अपने मत पर कायम है। फिलिस्तीन जो है वह इसराइल की मांग को नहीं मान रहा है, इसराइल जो है वह फिलिस्तीन की मांग को नहीं मान रहा है। परिणाम स्वरूप यह है कि आए दिन दोनों के मध्य संघर्ष देखने को मिलते हैं, और 2014 ईस्वी के बाद से अगर सबसे बड़ा संघर्ष जो हुआ है वह 2021 ईस्वी में देखने को मिला है। अब देख रहे हैं कि यह जो संघर्ष हुआ वह किस प्रकार से समस्त वैश्विक समुदाय को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को और किस प्रकार से विश्व को प्रभावित कर रहा है। तो सबसे बड़ा इस संघर्ष का जो प्रभाव हमें देखने को मिला है वह मध्य पूर्व एशिया में अस्थिरता के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर यह संघर्ष बड़े दिनों तक चलता तो निस्संदेह कई सारे अरब कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सऊदी अरब, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, कई सारे कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं। लेकिन खैर, अभी 10 दिन के अंदर इसमें सीज फायर की घोषणा कर दी गई है। हालांकि कहीं ना कहीं यह जो समस्या है इजराइल फिलिस्तीन की समस्या मध्य पूर्व एशिया में अस्थिरता का कारण बन रही है। तेलों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि, यह स्वाभाविक है कि अगर मध्य पूर्व देश एशियाई देशों में अस्थिरता विद्यमान रहेगी तो वह अस्थिरता के कारण वहाँ पर जो तेल का जो उत्पादन होगा उस पर अप्रत्याशित रूप से वहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। शरणार्थी की समस्या उत्पन्न होगी। अभी हमने डिस्कस किया कि फिलिस्तीन में जो गाजा पट्टी में रह रहे लोग हैं और उसके आसपास जो क्षेत्र में रह रहे लोग हैं उन्हें एक सुरक्षित शिविरों में ले जाकर बसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास, अनुमान के अनुसार 50,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों शरणार्थी हुए हैं इस युद्ध के कारण। एक और संघर्ष का प्रभाव धार्मिक कट्टरता के रूप में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, चूंकि फिलिस्तीन जो कंट्री है वहाँ पर हमास का गठन हमने डिस्कस कर लिया है, और कहीं ना कहीं वहाँ के युवा लोग, अगर यह समस्या ज़्यादा दिन तक चलती है तो वहाँ के जो युवा लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वह कहीं ना कहीं उनमें चरमपंथी की भावना आएगी, धार्मिक कट्टरता की भावना आएगी, अरब राष्ट्रवाद की भावना आएगी, और इसी कारण अनेक वो आतंकवादी संगठनों की ओर रुख कर सकते हैं, ISIS की ओर रुख कर सकते हैं, हमास जैसे चरमपंथी संगठन रुख कर सकते हैं, और इसके कारण पुनः वहां पर एक अस्थिरता का दौर वापस आ सकता है। संघर्ष का एक और परिणाम शस्त्रीकरण के बढ़ावा को के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। निस्संदेह अगर युद्ध दो राष्ट्रों के मध्य होता है तो वह दोनों राष्ट्र, या फिर दो राष्ट्रों के बीच विवाद होती है तो वे दोनों राष्ट्र अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए शस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं इजराइल के द्वारा। इसी कारण अमेरिका के माध्यम से शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, और इजराइल ने एक अभेद दुर्ग का, एक अभेद जो कहते हैं ना, दुर्ग का निर्माण कर लिया है, जिसके कारण गाजा पट्टी के द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट को उसने हवा में ही नष्ट कर दिया। तो कह सकते हैं शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। आने वाले समय में हमास भी अपने कई सारे सोर्सों से हथियार को एकत्रित कर सकता है, ताकि आने वाले समय में और काफ़ी तेजी के साथ और काफ़ी घातक रूप से कहीं ना कहीं इजराइल पर आक्रमण कर सके। और यह बहुत ज़्यादा सत्य है कि जो जब हमास का गठन हुआ था उसके बाद से लेकर आज हमास से काफ़ी ज़्यादा मजबूत चरमपंथी संगठन के रूप में बन चुका है, क्योंकि किसी भी चरमपंथी संगठन के द्वारा अगर 4,000 से ज़्यादा संख्या में रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय है कि उन चरमपंथी संगठनों के पास इतने ज़्यादा शस्त्र कहाँ से आ रहे हैं। और यही कारण है कि शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर भी यह संघर्ष का प्रभाव पड़ा है, और इस संदर्भ में संघर्ष का प्रभाव पड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो भूमिका रही है वह इसमें नगण्य देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन सिर्फ यह कहते रह गए कि दोनों राष्ट्र शांति बहाली करें, लेकिन न तो फिलिस्तीन ने इनकी बात को माना और न ही इसराइल ने इनकी बात को माना। परिणाम क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यूनाइटेड नेशन की जो प्रासंगिकता है उसमें पराभव का एक संकेत देखने को मिला है। जब सुरक्षा परिषद की यहाँ पर बैठक हुई थी तो उसमें अमेरिका के द्वारा वीटो का प्रयोग कर दिया गया था, अमेरिका के द्वारा अपने वीटो पावर का प्रयोग किया गया, और यह वीटो पावर यह दर्शाता है कि किस प्रकार से समस्त विश्व आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी एकजुट नहीं होते हैं। इजराइल फिलिस्तीन जो कि ऐतिहासिक समस्या, वर्षों से चली आ रही समस्या है, उसे निपटाने के लिए भी अगर सभी वैश्विक समुदाय एकत्रित नहीं होंगे तो मध्य पूर्व एशिया में अस्थिरता विद्यमान होगी, और इसका खामियाजा सिर्फ मध्य पूर्व एशियाई देशों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका जैसे कंट्रियों को अगर तेल सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ भी के भी जो उद्योग धंधे हैं उनकी स्थिति चौपट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो प्रासंगिकता नगण्य देखने को मिली है वह भी इस संघर्ष के प्रभाव के रूप में इंगित किया जा सकता है।
अब देखते हैं कि इजराइल व अरब देशों के मध्य कैसा संबंध है वर्तमान समय में, क्यों क्या सभी अरब देश मिलकर भी एक इजराइल का सामना नहीं कर सकते, यह बहुत बड़ा सवाल है, या फिर क्या इजराइल जो है वह अरब देशों के मध्य भी फूट डालने में सफल रहा है। तो देखिए, अरब देशों के मध्य जो सबसे बड़ा विवाद है वह शिया और सुन्नी को लेकर विवाद है। ईरान चाहता है, जो कि शिया बहुल कंट्री है, ईरान चाहता है कि जो फिलिस्तीन है उस पर हमारा कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा रहे, इसीलिए ईरान, जो अभी हमने मैप में दिखाया कि ऊपर में जो लेबनान स्थित है कंट्री, अरब कंट्री, तो ईरान लेबनान के जो चरमपंथी संगठन है हिजबुल्ला, उसके माध्यम से इजराइल को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। वहीं अगर सुन्नी पक्ष को देखें तो सुन्नी पक्ष में सऊदी और अरब के बीच मुस्लिम जगत के हेड प्रमुख बनने के लिए आपसी होड़ मची हुई है, दोनों में वर्चस्वता की लड़ाई छिड़ी हुई है। सऊदी चाहता है कि मुस्लिम का लीडर मैं बनूं, तुर्की चाहता है कि मुस्लिम का लीडर मैं बनूं, और यह तुर्की का साथ देने वाले कंट्री में है, पाकिस्तान जैसे कंट्री इसमें शामिल हैं। सऊदी चाहता है कि हमास के जरिए वह इसे अस्थिर करे और उस पर फिलिस्तीन पर हमारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन हो, लेकिन सऊदी भी इजराइल के खिलाफ मुखर नहीं जा रहा है, क्योंकि जो अरब जो कंट्रीज है वहाँ पर ईरान को प्रतिसंतुलित करने के लिए सऊदी अरब को इजराइल की ज़रूरत होती है। ईरान वहाँ काफ़ी तेज़ी से एक इमर्ज करता हुआ राष्ट्र है और शिया बहुल कंट्री है ईरान, इसीलिए सुन्नी बहुल सऊदी चाहता है कि वह ईरान हमसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में ना बने, और ईरान को काउंटर करने के लिए सऊदी अरब को इजराइल की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए सऊदी अरब एक सीमा से आगे जाकर इजराइल का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो ईरान के खिलाफ इजराइल सऊदी अरब को का साथ नहीं देगा, तो यह एक बहुत बड़ा द्वंद है। वहीं तुर्की की अगर चर्चा करें तो तुर्की भी एक सीमा के बाहर जाकर वह इजराइल के खिलाफ मुखर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुर्की गाजा पट्टी हमास के जरिए इजराइल को स्थिर करने का प्रयास करता है तो इजराइल जैसे कंट्री भी तुर्की में कुर्द समस्या को बढ़ावा दे सकता है, जो कि कुर्द समुदाय ऐसा, चूंकि जो देखिए कुर्द एक ऐसा समुदाय है जो कि तुर्की, आर्मेनिया, ईरान, इराक जैसे कंट्री में अपनी वर्चस्वता की लड़ाई लड़ रहा है, तो अगर अपनी स्वायत्तता की मांग कर रहा है तुर्की में, और अगर इजराइल तुर्की को अस्थिर करना चाहेगा तो वह कुर्द समस्या को बढ़ावा देगा और इससे तुर्की की जो आंतरिक स्थिति वह काफ़ी ज़्यादा असंतुलित तो हो सकती है। तो अब देखिए कि किस प्रकार से यहाँ इजराइल अरब कंट्रीज के मध्य इजराइल को लेकर द्वंद्वता विद्यमान है, इसी कारण जो है अरब कंट्रीज भ्रम की स्थिति में रहते हैं, और ऐसा जब युद्ध होता है तो सभी अरब कंट्रीज के द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता, बल्कि कुछ, हालांकि जो अभी इस्लामिक कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, उसने एक सुर में इसे शांति प्रक्रिया की बहाली की चर्चा की, लेकिन एक सीमा के आगे जाकर न तो हमास का साथ किसी सऊदी अरब ने दिया, ना तो तुर्की ने दिया, सिर्फ इन्होंने प्रतिक्रिया देने की उचित समझा। तो अब देखिए कि अरब कंट्रीज के बीच किस प्रकार से द्वंद्वता है। यूरोप की अगर भूमिका को देखें तो यूरोप भी है, यूरोप चाहता है कि अरब कंट्रीज कभी भी एकजुट नहीं रहें, क्योंकि अगर सभी अरब कंट्रीज एकजुट हो जाते हैं तो इससे यूरोप की जो भूमिका है वह कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि अरब राष्ट्रवाद जो है काफ़ी ज़्यादा एक मजबूती के रूप में उभरेगा, और अगर यूरोप जैसे कंट्रीज को तेल की आपूर्ति करना बंद कर दे तो यूरोप के जो उद्योग धंधे वह पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए जो यूरोप है वह, और चूंकि इजराइल भी एक काफ़ी ज़्यादा एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है, मजबूत आर्थिक रूप से भी मजबूत राष्ट्र बन चुका है, तो इसीलिए किसी के द्वारा किसी एक कंट्री के खिलाफ जाकर वर्तमान समय में विरोध करना संभव प्रतीत नहीं होता है। तो यह है इजराइल व अरब कंट्रीज की स्थिति। अब देखिए भारत की क्या स्थिति है। तो भारत की स्थिति, भारत अगर स्वतंत्रता के समय से चर्चा करें तो जब 1947 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा फिलिस्तीन का विभाजन किया गया था तो उस विभाजन में भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया था और कहा था कि फिलिस्तीन का विभाजन नहीं होना चाहिए, यानी कि विभाजन के विरुद्ध मतदान किया, और फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब कंट्री भारत बना। अगर इजराइल के साथ भारत के संबंधों की चर्चा करें तो 17 सितंबर 1950 ईस्वी को भारत और इजराइल के मध्य औपचारिक राजनयिक मान्यता प्रदान की गई, 1992 तक आते आते दोनों के मध्य पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हो चुके हैं। और वर्तमान समय में भारत के अगर फॉरेन पॉलिसी की चर्चा करें तो वर्तमान समय में भारत जो है इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए डीहाइफनेशन की पॉलिसी पर कार्य कर रहा है। डीहाइफनेशन की पॉलिसी उस नीति को कहा जाता है जिसमें दो राष्ट्रों के मध्य विद्यमान आपसी संघर्ष
आपसी संघर्ष को ध्यान न देते हुए दोनों राष्ट्रों के साथ स्वतंत्र नीति को बनाए रखना, डिहाइफनेशन की जो यही पॉलिसी है, यानी कि डिहाइफनेशन की पॉलिसी के जरिए भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो आपसी संघर्ष है उस आपसी संघर्ष को ध्यान में नहीं रखता, बल्कि फिलिस्तीन के साथ अपनी स्वतंत्र नीति की बात करता है, इजराइल के साथ अपनी स्वतंत्र नीति की बात करता है। डिहाइफनेशन की जो पॉलिसी है सर्वप्रथम अमेरिका के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए लाया गया था। तो यह है भारत की पॉलिसी। इसमें अगर भारत की हालिया विवाद पर टिप्पणी देखेंगे तो भारत का यही कहना है कि शांति बहाल होना चाहिए दोनों राष्ट्रों के मध्य और बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान होना चाहिए, यानी कि भारत जो है बैलेंस बनाकर काम कर रहा है। अब देखते हैं कि आखिर संभावित समाधान क्या हो सकता है इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य, और आज का जो हमारा यह लास्ट टॉपिक है। संभावित समाधान में एक सबसे बड़ा समाधान तो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल। फिलिस्तीन अभी आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फिलिस्तीन को एक कंट्री नहीं है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि भारत ने फिलिस्तीनी जो संगठन उसे मान्यता प्रदान की है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर एक संभावित समाधान हो सकता है, हमास जो फिलिस्तीन और इजराइल है उनके अस्थाई रूप से सीज फायर किया जाना चाहिए, 1967 की जो युद्ध रेखा जो है उसे अस्थाई सीमा मानी जानी चाहिए, और यरूशलेम का पूर्वी यरूशलेम और पश्चिमी यरूशलेम में विभाजन किया जाना चाहिए। ये सब इसका संभावित समाधान है, लेकिन यह संभावित समाधान तभी कारगर हो सकता है जब इजराइल और फिलिस्तीन दोनों इस मामले इस पर सहमति बना दे। लेकिन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि किस प्रकार से इजराइल की मांग को फिलिस्तीन नहीं मानता और फिलिस्तीन की मांग को इजराइल नहीं मानता, तो इस प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के मध्य कहीं ना कहीं आने वाले समय में दोनों को बातचीत के माध्यम से इस समस्या को सुलझाना होगा, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। या निसंदेह अगर इजराइल अपने भूभाग को विस्तार करने में सफल होता भी है तो आने वाले समय में उसे भी अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां के नागरिक हैं उनमें धार्मिक कट्टरता धीरे धीरे पनपेगी, और इसीलिए अगर इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा सकता है तो भविष्य में यह एक कहीं ना कहीं मध्य पूर्व जो एशियाई देश हैं वहां पर अशांति का रूप धारण कर सकता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने काफी डिटेल्ड रूप में इजराइल और फिलिस्तीन टॉपिक को डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना संदेह को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।